अगला आ जाते हैं इंडिया यू रिलेशंस पे। तो इसमें यूरोपियन यूनियन क्या है उसके बारे में एक बार पढ़ेंगे, अगर यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना है तो वो कैसे बन सकते हैं, फिर इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड डील को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यूरोपियन यूनियन, तो यूनियन क्या होती है और यूरो जोन क्या है। द अल्टीमेट इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज सच दैट होल यूरोप हैज़ अ कॉमन मॉनिटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, सेंट्रल बैंक, शेयर्ड पार्लियामेंट, शेयर्ड सिटीजनशिप, दैट इज़ सुपरा नेशनल बॉडी बन गई है ये, शेयर्ड सोवरेनिटी। अगर यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक पॉलिसी बना दी है रेफ्यूजीज पे, तो ब्रिटेन फिर उसको डिनाई नहीं कर सकता। ग्लोबलाइजेशन में प्रपोजल ये था कि हम प्रेफरेंशियल ट्रेड से इकोनॉमिक यूनियन की ओर बढ़ें, लेकिन सिर्फ यूरोप एकमात्र ऐसी कंट्री है जो कि सक्सीड हुआ ईयू को क्रिएट करने में, यूरोपियन यूनियन को। तो जब इकोनॉमीज आपस में जुड़ती हैं तो पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, और जो अल्टीमेट इंटीग्रेशन है, फाइनल इंटीग्रेशन, वो होता है ऐसा कि जब जो यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब के साथ पांच चीज़ें कॉमन हो जाती हैं, सारी यूरोपियन कंट्री पे सेम मॉनेटरी पॉलिसी है, सेम फिस्कल पॉलिसी है, सेम सेंट्रल बैंक है, शेयर्ड पार्लियामेंट है सबकी, और सबका शेयर्ड सिटीज़न है। मतलब इंडिविजुअल कंट्रीज़ आपस में यूनाइट होके सुपरा नेशनल बॉडी उन्होंने बना दी है, ठीक है, शेयर्ड सोवेरेनिटी है। तो अगर यूरोपियन पार्लियामेंट कोई डिसीजन लेगा तो ब्रिटेन को उसको मानना ही पड़ेगा, ब्रिटेन उसको डिनाई नहीं कर सकता, फॉर एग्जांपल रेफ्यूजी पॉलिसी पे। इसीलिए ब्रिटेन ने ब्रेक्सिट किया, क्योंकि वहाँ के लोग रेफ्यूजी के लिए अलग पॉलिसी चाहते थे। सेकेंड चीज़ आ गया यूरो जोन। तो यूरोपियन यूनियन 27 कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है, लेकिन सिर्फ 20 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि यूरो को एज अ करेंसी यूज़ करते हैं। तो 27 यूरोपियन कंट्री में से जो 20 कंट्रीज़ यूरो को यूज़ कर रही हैं एज अ करेंसी, वो यूरो जोन कहलाएगा। अब ईयू इज़ ऑल्सो कॉल्ड बिग फाइव, एज ईयू इज़ मैनेज्ड बाई 5 बॉडीज़। कौन कौन सी हैं वो 5 बॉडीज़? सबसे ऊपर है यूरोपियन काउंसिल, जो कि इंस्ट्रक्शन देती है काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन को, ठीक है। फिर काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन पार्लियामेंट, ये लोग साथ में मिलकर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। फिर यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन पार्लियामेंट के नीचे यूरोपियन कमीशन, और वो अपने केसेस सबमिट करती है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस को, अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो। तो इन 5 बॉडीज़ को देख लेते हैं जो कि यूरोपियन यूनियन को मैनेज करती हैं। यूरोपियन काउंसिल, काउंसिल ऑफ ईयू, यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो डेफिनेशन क्या है, मेंबर्स क्या है? अच्छा, यूरोपियन काउंसिल नॉमिनेट करती थी यूरोपियन कमीशन को। एनीवे, तो डेफिनेशन क्या है, फिर मेंबर्स कौन कौन से हैं, फंक्शन क्या है, और इन बॉडीज़ का नेचर क्या है। यूरोपियन काउंसिल की बात करें तो ये सुप्रीम बॉडी है, जहाँ हेड ऑफ स्टेट अलग अलग कंट्री के आएंगे, 27 कंट्री के, कहीं के प्रेसिडेंट, कहीं के पीएम, वो आएंगे और एक दूसरे के साथ मिलेंगे। जबकि काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, इट वर्क्स एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोपियन काउंसिल। वही जैसे एक कंट्री में होता है कि पीएम के ही अंडर लोग काम करेंगे, उसी तरह यहाँ पे सारे पीएम एक जगह इकट्ठा हो गए, अब वो लोग जो डिसाइड करेंगे वो काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन करेगी। फिर जो यूरोपियन पार्लियामेंट है और काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन है, ये दोनों सेम लेवल पर होते हैं, इसलिए ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। यूरोपियन कमीशन की बात करें तो यूरोपियन पार्लियामेंट कंट्रोल करता है यूरोपियन कमीशन को, और यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, 27 कंट्रीज़ जो हैं यूरोप की वो साथ में आती हैं, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज करता है, मतलब 27 कंट्री इकट्ठा हो रही है ना एक जगह पे, तो ऑब्वियसली डिस्प्यूट आएंगे एक दूसरे के बीच उनके, तो उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है। अब मेंबर्स देख लेते हैं, जो यूरोपियन काउंसिल है उसका मेंबर्स जो होते हैं लीडर्स ऑफ मेंबर स्टेट, कहीं किसी कंट्री का लीडर प्राइम मिनिस्टर, कहीं के चांसलर, कहीं के प्रेसिडेंट, तो उस तरह से लीडर्स मिलते हैं यूरोपियन काउंसिल में। और जो काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन है उसमें मिनिस्टर्स होते हैं, पीएम के नीचे मिनिस्टर्स, वैसे यहाँ पे भी मिनिस्टर्स होते हैं, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं, वो डिफरेंट काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल ट्रेड इश्यूज़ अगर हैं तो हर एक कंट्री के सारे ट्रेड मिनिस्टर्स आएंगे, वो साथ में बैठेंगे, उनकी एक अलग काउंसिल होगी। हर एक कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो साथ में बैठेंगे, वो एक अलग काउंसिल हो जाएगी। फिर यूरोपियन पार्लियामेंट की मेंबर्स की बात करें तो यूरोपियन पार्लियामेंट में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हर एक कंट्री को कुछ सीट्स दी जाती है यूरोपियन पार्लियामेंट में, 27 कंट्रियाँ, हर एक किसी कंट्री को एक, किसी कंट्री को दो सीट्स ऐसे दे दी। फिर वहाँ के सिटीजन्स उस बंदे को इलेक्ट करते हैं और वो आके यूरोपियन पार्लियामेंट में बैठेगा। फिर यूरोपियन कमीशन की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स। कमीशन में जो मेनली काम करती, यूरोपियन कमीशन क्या है,
यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए तो आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पर IAS IPS ऑफिसर्स बैठते हैं, कंसिस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स जो कि एक्चुअल में काम करेंगे, और यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजेस अपॉइंट किए जाते हैं। अब फंक्शन क्या है, यूरोपियन काउंसिल जहाँ पे PM प्रेसिडेंट चांसलर वगैरह बैठे हुए हैं वो लोग ब्रॉड पॉलिसी डिसीजन लेंगे, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन है वहाँ पर जो डिसीजन लिए PM ने उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेंगे मिनिस्टर्स, उन प्रपोजल्स पर डिसीजन लेंगे। फिर जो यूरोपियन पार्लियामेंट है वो अमेंड करेगी या फिर रिजेक्ट करेगी प्रपोजल को जो कि EC और COEU ने लिए हैं, ठीक है। अमेंड्स एंड रिजेक्ट्स प्रपोजल ऑफ, ठीक है, विल मेक लॉज ऑन प्रपोजल ऑफ COE बाई अमेंडिंग और रिजेक्टिंग इट, ठीक है। तो या तो लॉ बनाएगी या फिर अमेंड करेगी या रिजेक्ट करेगी इन प्रपोजल को जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह और मिनिस्टर्स ने लिए हैं। फिर जो यूरोपियन कमीशन होगी वो एग्जीक्यूट करेगी उस लॉ को जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने बनाया है, और यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करेगा। फिर नेचर ऑफ बॉडीज़, जो यूरोपियन काउंसिल है वो इंटर गवर्नमेंट बॉडी है, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ कैन बार्गेन फॉर देयर इंटरेस्ट। जो काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन है वो भी एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। जो यूरोपियन पार्लियामेंट है वो सुपरा नेशनल बॉडी है, दे रिप्रेजेंट यूरोप एंड नॉट एनी वन कंट्री, इसलिए वो यूरोप के इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर रखते हैं, ठीक है। इसीलिए ऐसा हुआ होगा कि ब्रिटेन में हालांकि लोग रेफ्यूजी के अगेंस्ट हैं लेकिन ओवरऑल यूरोप के इंटरेस्ट में रेफ्यूजी पॉलिसी ऐसी रही होगी विच फेवर्स यू रेफ्यूजीज। फिर यूरोपियन कमीशन जो होगी वो भी एक सुपरा नेचुरल नेशनल बॉडी है, ठीक है, वो भी पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी तरह यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस भी सुपरा नेशनल बॉडी है। तो कायदे से ये चीज़ हो सकता था ना कि डायरेक्ट यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन कमीशन और ECJ हो जाता, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, लेजिस्लेचर यूरोपियन पार्लियामेंट हो जाता, एग्जीक्यूटिव यूरोपियन कमीशन हो जाती और यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस जुडिशरी हो जाता। लेकिन इसके ऊपर हमने दो बॉडी उन्होंने इसलिए क्रिएट किया, यूरोपियन काउंसिल और काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, कि यहाँ पर अलग अलग जगह के ये तीनों बॉडी जो हैं ये तो सुपरा नेशनल उसे बना देती है, मानो सारी कंट्री मिलके एक नई कंट्री बन गई हो। लेकिन ऊपर के जो दो बॉडीज़ हैं वो इसलिए क्रिएट किए गए हैं कि इंडिविजुअल कंट्रीज़ के जो हेड हैं, दैट इज़ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चांसलर और वहाँ के मिनिस्टर्स, वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर बार्गेन कर सकें अपने इंटरेस्ट के लिए और प्रपोजल को रख सकें। ये लोग प्रपोजल डिसाइड करेंगे ऊपर से प्राइम मिनिस्टर PM, और फिर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी जो है यूरोपियन यूनियन की, वो उन प्रपोजल्स को कंसिडर करेगी, उन पर एक्शन लेगी और कुछ डिस्प्यूट होगा तो उसको मैनेज करेगी, ठीक है। अब हाउ टू बिकम मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, हिस्ट्री, कोपनहोगन क्राइटेरिया और प्रोसीजर टू जॉइन EU। तो हिस्ट्री क्या रही है, तीन स्टेप्स में। फर्स्ट, 1958 में EU का इवोल्यूशन स्टार्टेड विथ EEC, दैट इज़ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। यूरोपियन इकोनॉमिक कमिटी में तीन लार्ज इकोनॉमीज थी, दैट इज़ FIG, फ्रांस, इटली, जर्मनी, और तीन स्मॉल इकोनॉमीज थी, दैट इज़ लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नेदरलैंड्स। तो ये ऐसे शुरू हुआ था मात्र छः से। फिर 1975 में यूनाइटेड किंगडम ज्वाइन कर लेता है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को, और 2020 में निकल भी जाता है UK ब्रेक्सिट के फॉर्म में, ब्रिटेन कम्स आउट ऑफ EU। 1993 में मास्ट्रिश्ट ट्रीटी होती है जिसने कि कॉमन सिटीजनशिप और पार्लियामेंट इस्टेब्लिश कर दिया था एंड गेव नेम EU। तो 1958 में छः कंट्रीज शुरू करेंगी, फिर 1970 में UK ज्वाइन कर लेगा, 1993 में कॉमन सिटीजनशिप कॉलम, कॉमन पार्लियामेंट, और फाइनली EU बन जाएगा 1993 में, और फिर 2000 में ब्रिटेन एग्जिट कर देगा इससे। कोपनहेगन क्राइटेरिया की बात करें तो फोर क्राइटेरिया है टू डिसाइड हु कैन ज्वाइन यूरोपियन यूनियन, LADF। एक तो वो कंट्री यूरोप में लोकेटेड होना चाहिए, तो इंडिया का भी नहीं ज्वाइन कर पाएगा EU को। दूसरा, वो कंट्री डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। तीसरा, अलाइनमेंट बेस्ड ऑन सोशियो कल्चरल वैल्यूज़ जैसे ह्यूमन राइट, जेंडर राइट, एनवायरमेंटल राइट, इन एरियाज़ में अलाइनमेंट होना चाहिए, प्लस फ्री एंड फेयर मार्केट होनी चाहिए, दैट इज़ लाइसेंस फेरी की डॉक्ट्रिन। फिर प्रोसीजर टू ज्वाइन EU को ज्वाइन करना है तो तीन स्टेजेस में ज्वाइन कर सकते हैं CAA। एक तो कैंडिडेसी स्टेटस, दूसरा एसेशन नेगोशिएशन, तीसरा एसेशन ट्रीटी। स्टेप वन, मानो कोई कंट्री है यूक्रेन जो कि ज्वाइन करना चाहती है EU को, तो अपनी एप्लीकेशन भेजेगी यूरोपियन काउंसिल को, ठीक है। यूरोपियन काउंसिल मतलब ये वो बॉडी होगी जहाँ पे सबके PM प्रेसिडेंट वगैरह मिल रहे हैं, जो कि फॉरवर्ड करेंगे इसको टू यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन वही IAS IPS जहाँ बैठे हैं आप ऐसे समझ लो सारे यूरोपियन कंट्रीज के, जो कि इसको सुपरफिशियली चेक करेंगे, और अगर चार क्राइटेरिया मेट हैं
देन यूक्रेन को कैंडिडेसी स्टेटस मिलेगा. तो यू गेट बोथ टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन नाउ. सेकेंड है एसेशन निगोसिएशन, दैट इज़ यूरोपियन कमीशन बोले पूछेगी कंट्री से टू अलाइन इट्स लॉज. अब यूरोपियन कमीशन मतलब जो यहाँ के आई एस आई पी एस हैं ईयू में, वो बोलेंगे यूक्रेन को कि आप अपने लॉज और पॉलिसी को एज पर एक्विस चैप्टर्स अलाइन करो. ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है. तो एक्विस चैप्टर्स मतलब ये पूरे यूरोपियन यूनियन के कुछ लॉज एंड प्रोसीजर्स हैं, आप अपनी कंट्री में वैसे ही लॉज प्रोसीजर्स बनाओ. फिर एक्सेशन ट्रीटी, तो ये सारे लॉज बनाने में यूक्रेन को काफ़ी टाइम लगेंगे. फिर एक्सेशन ट्रीटी ये यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन के बीच में होगी, जिसमें कि आपको तीन लेवल पर क्लियरेंस चाहिए होगा, जिसको ट्रॉयका बोलेंगे. एक तो यूरोपियन काउंसिल आपको दे, यूरोपियन काउंसिल यानी पीएम प्रेस ऑफ एग्जिस्टिंग ईयू मेंबर्स. फिर यूरोपियन कमीशन दैट इज़ आईएएस ऑफिसर्स वगैरह आपको दें परमिशंस यूरोप के. फिर थर्ड होगा यूरोपियन पार्लियामेंट दैट इज़ लेजिस्लेचर परमिशन दे. ठीक है, ये तीन लेवल पर होगा. तो वो तीन लेवल पर इसीलिए कि यूरोपियन काउंसिल ने दे दिया तो ये तो इनके मिनिस्टर्स ही हैं, इनको एक मान लो पार्लियामेंट ने और कमीशन ने, जज की ज़रूरत नहीं है. तो ये ट्रॉयका है. लेटर दिस एक्सेशन ट्रीटी इज़ टू बी रेटिफाइड बाई ईच ईयू कंट्री एंड कैंडिडेट कंट्री. फिर इसको हर एक यूरोपियन यूनियन की कंट्री साइन करेगी और यूक्रेन साइन करेगा, तो आप ईयू के मेंबर बन जाओगे. अब इंडिया यूरोपियन यूनियन में क्या है, ट्रेड डील की कंट्रोवर्सी चल रही है, तो स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट है ऑन फॉलोइंग इश्यूज़. चार इश्यूज़ पर बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट है इंडिया और यूरोप के बीच, इसीलिए हम ट्रेड डील नहीं कर पा रहे यूरोप के साथ. इंट्रोडक्शन, बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कस किया जा रहा था 6 से 7 साल के लिए, 2007 से 2013 तक. अब 6 साल के लिए डिस्कस हो रहा है, ये अपने आप में प्रूफ है कि पॉजिटिव तो नहीं था, बहुत डिसएग्रीमेंट्स रहे होंगे. ठीक है, फिर चार चीज़ें क्या हैं जिन पर डिसएग्रीमेंट है, गुड सर्विसेज, आईपीआर इश्यूज़ और मिसलेनियस इश्यूज़. यही किसी भी ट्रेड डील को इन्हीं चार पैरामीटर्स पर जज किया जाता है कि गुड्स को लेके क्या प्रोविज़न है, सर्विस की ट्रेड को लेके क्या प्रोविजन्स हैं, आईपीआर से क्या क्या इश्यूज़ और मिसलेनियस इश्यूज़. तो गुड्स में टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स देखने होते हैं. टैरिफ बैरियर्स में यूरोपियन यूनियन चाहता है कि अल्कोहलिक बेवरेज और ऑटोमोबाइल पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड करे इंडिया, दैट इज़ लोअर टैरिफ्स लगाए इंडिया ऑन दीज प्रोडक्ट्स, जिससे यूरोपियन यूनियन ज़्यादा इसे बेच सके. नॉन टैरिफ बैरियर्स में इंडिया चाहता है कि सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स पर कमिटमेंट्स दे यूरोप. एग्जांपल, अल्फोंजो आम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच आर बैड फॉर यूरोप्स इकोलॉजी. अगर आप ऐसे बोलोगे तो हम कैसे बेचेंगे. सर्विसेज में बात करें तो चार मोड में सर्विसेज होती हैं, 1, 2, 3, 4. जो वन है क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज, दैट इज़ लोगों का मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ सर्विसेज दी जाएंगी. ठीक है, इसमें क्या है, इंडिया चाहता है कि ग्रेटर एक्सेस मिले उसे यूरोपियन मार्केट में अंडर मोड वन एंड मोड फोर सर्विस. मोड फोर क्या है, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, जिसमें आप फिजिकली चले जाओगे. और सेकंड को छोड़ देते हैं, जो थर्ड मोड है दैट इज़ कॉमर्शियल प्रेजेंस, दैट इज़ आप लेट्स अज्यूम इंडिया से यूरोपियन यूनियन में जाओगे टू इस्टेब्लिश अ कंपनी. एग्जाम्पल, बैंकिंग और इंश्योरेंस. इंडिया का SBI वहाँ पे जा रहा है, तो यूरोपियन यूनियन डिमांड करेगी इंक्रीज्ड एक्सेस अंडर मोड थ्री सर्विस, कि यूरोपियन यूनियन की जो कंपनी है यूरोप की, वो इंडिया में आके इस्टेब्लिश करें अपने बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी को. तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ज़्यादा एक्सेस मांग रहा है और इंडिया ज़्यादा एक्सेस मांग रहा है क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के लिए, नहीं क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज के लिए. क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट क्या है कि कंट्री वन मानो इंडिया है, इंडिया से फिजिकली लोग जाएंगे यूरोपियन यूनियन में और वहाँ जाके सर्विसेज देंगे. फॉर एग्जांपल, इंडियन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, योगा टीचर्स, ये फिजिकली जाएंगे. और क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज में मूवमेंट नहीं होगा लोगों का, सिर्फ सर्विसेज दी जाएंगी. तो ये शायद सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल, इन्फोसिस इंडिया में बैठे बैठे सॉफ्टवेयर सर्विस सॉफ्टवेयर बना सकता है उनके लिए, तो शायद ये वो हो जाएगा. फिर आईपीआर इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन. एवर ग्रीनिंग इंडिया डिस्करेज करता है एवर ग्रीनिंग को, इफ़ देर इज़ नॉट मीनिंगफुल चेंज इन थेरापूटिक एक्शन स्ट्रेटजी ऑफ ड्रग, तो इंडिया विल गिव कंपल्सरी लाइसेंसिंग टू इंडियन कंपनीज सो दैट यू कैन नॉट गेट बी सूड इन इंडिया. ठीक है, कि अगर बहुत मेजर चेंज नहीं हुआ है ड्रग में, तो फिर इंडिया क्या कर देगा, कंपल्सरी लाइसेंस दे देगा इंडियन कंपनीज को कि अब आप इस ड्रग को बनाओ. ऐसा नहीं कि मतलब 10-20 साल, मेन कंपनी जिसने वो ड्रग बनाया काफ़ी रिसर्च करके, जनरली उसे 10-20 साल के लिए राइट्स मिल जाता है कि अकेले वही बेचे. लेकिन वो लोग जैसे ही वो पीरियड ख़त्म होने वाला हुआ, थोड़ा सा चेंज करके फिर एक्सटेंशन ले लेंगे 10-20 साल का कि हम ही बचें. इंडिया इस चीज़ को अलाउ नहीं करता. इंडिया कहता है अगर मेजर चेंज नहीं है तो फिर 10-20 साल के बाद इंडियन कंपनीज़ को फिर मिल जाने चाहिए राइट्स कि हम बना सकें उसको, जिससे कि हम
सस्ते कॉस्ट पे उन चीज़ों को अफोर्ड करा सके। फिर डेटा एक्सक्लूसिविटी, इंडियन फार्मा कंपनी जैसे मानो सिप्ला है, अगर वो ड्रग्स बेचना चाहता है यूरोप में तो यूरोप विल नॉट ट्रस्ट द टेस्टिंग डेटा ऑफ इंडिया। सिप्ला को फिर से पैसे खर्च करने पड़ेंगे और जनरेट करना पड़ेगा टेस्ट डेटा को यूरोप में, उसके बाद ही वो सिप्ला अपनी मेडिसिन बेच सकता है। टेस्ट ऑन रैट्स ह्यूमन एट्सेट्रा सेंड टू यूरोपियन ड्रग रेगुलेटरी। फिर मिसलेनियस इश्यूज़ में डेटा सिक्योरिटी और ISDS, दैट इज इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट। डेटा सिक्योरिटी की बात करें तो EU डज नॉट रिकॉग्नाइज इंडिया एज डेटा सिक्योर कंट्री। सेंसिटिव डेटा जो यूरोपियन बैंक का है, इंश्योरेंस कंपनी का है, वो इंडिया को नहीं भेजा जाएगा। ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट, यूरोप चाहता है कि एक सेपरेट मैकेनिज्म या इंस्टीट्यूशनल बॉडी को क्रिएट किया जाए जो कि कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू यूरोपियन कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स उसको देखे, क्योंकि इंडिया का जुडिशियल सिस्टम बहुत वीक है और यूरोपियन कंपनीज़ और इन्वेस्टर्स उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और हुआ भी है पास्ट में, तो उनकी ये डिमांड है। डिफरेंस बिटवीन बायलेटरल रिलेशनशिप और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। बायलेटरल रिलेशनशिप में दो कंट्रीज डिस्कस करती हैं सिर्फ और सिर्फ बायलेटरल इशूज़ जो कि सिर्फ उन दो कंट्रीज़ को कंसर्न करता है, तुमको क्या चाहिए मेरे को क्या चाहिए। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या है, ये और ज़्यादा क्लोज आ गई अगर दो कंट्री, तो बायलेटरल पार्टनरशिप से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में वो चली जाएंगी जिसमें कंट्री सारे इश्यूज़ को डिस्कस करेंगी, इंटरनेशनल इशू, क्लाइमेट चेंज, पायरेसी। दे कैन इवन डिप्लॉय देयर आर्मी इनटू ईच अदर कंट्रीज़। इट हैपन्स बिटवीन दोज टू कंट्रीज़ जो कि एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगी, उन्हीं के बीच ही होगा।